सबसे पहले तो भगवान की जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम जो वृंदावन की बात कर रहे हैं, यहाँ लुधियाना में भी हम तो दर्शन करने आ रहे हैं और वृंदावन की ही जो एंजॉय है वो यहाँ पर इन मंदिरों में पा रहे हैं। लग रहा है कि आप वृंदावन में ही हैं, लुधियाना में है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या कहना चाहेंगे आज के जन्माष्टमी को लेकर? हाँ जी, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। कृष्ण भगवान जी आज ऐसा लग रहा है वृंदावन की तरह यहाँ भी विराजमान हो गए हैं, भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हरे कृष्णा, क्या कहना चाहेंगे जन्माष्टमी को लेकर आप? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे और इतनी मन को शांति मिल रही है ना, बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत मन था यहाँ पर। कह सकते हैं कि वृंदावन की एक तरह ही आपको यहाँ पर महसूस हो रहा है? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे ठाकुर जी मिल गए मुझे, तो ऐसे लग रहा है। मैम आपका नाम? संगीता जी। क्या कहना चाहेंगे, जन्माष्टमी का उत्सव है, किस तरीके से मना रही हैं, कैसा लग रहा है? बांके बिहारी की फुल कृपा है, सभी मना रहे हैं धूमधाम से, राधा रानी की बहुत कृपा है, यहाँ पे आके तो जन्नत जैसा लगा और जगन्नाथ भगवान का तो साक्षात दर्शन हुए। लग रहा है कहीं ना कहीं आप वृंदावन में ही हैं। हाँ लग रहा है कहीं ना कहीं वृंदावन में, मैं कभी वृंदावन तो गई नहीं लेकिन नज़ारा यहाँ पे खूब है और शाम में खूब नज़ारा और होगा, इतना ही कहना चाहूँगी मैं तो। कैसा क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हम वृंदावन ही लगे हुए हैं ऐसा लग रहा है। और किस तरीके से मना रहे हैं, कैसे रहेगा आज का जन्मदिन? बहुत अच्छा रहेगा, रखे हुए हैं कैसे मनाएंगे? ऐसे जैसे आगे मनाते वैसे आज भी मनेगा, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को आज ये बताते हुए बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है, आज का दिन बहुत ही शुभ, भगवान श्री कृष्ण का प्रगट्य दिवस जन्माष्टमी। आज से 5000 साल पहले भगवान ने आज ही के दिन इस धरती पर अवतार लिया था। हम आज इस दिन को बहुत ही भव्य रूप से मनाने जा रहे हैं। आप शहरवासियों से मेरी प्रार्थना है कि भगवान के दर्शन करने, भगवान का कीर्तन सुनने और भगवान के अभिषेक का आनंद प्राप्त करने के लिए ज़रूर आएं। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि आज के दिन की पूजा का क्या महत्व रहता है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि मंदिर रात के 9 या 10 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, आज मंदिर कितने बजे तक खुले रहते हैं और आज की पूजा का महत्व क्या है? अन्य दिनों में जो हमारा मंदिर है 8:45 रात को बंद होता है, लेकिन आज जो मंदिर है 12:30 बजे बंद होगा, क्योंकि भगवान का जो जन्म है वो 12 बजे है। हम भगवान का 10:30-11 बजे के करीब अभिषेक करेंगे, उसके बाद भगवान को भोग लगेगा और आरती होगी, 12:30 बजे के करीब आज के दिन के जो दर्शन है वो बंद होंगे। लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं वृंदावन में जो जन्माष्टमी रहती है या मथुरा में रहती है उसका आनंद एक अलग भव्य रूप से होता है जी। क्या लगता है कि लुधियाना में भी लोग इस चीज़ का आनंद ले पाएंगे? हमारी संस्था के फाउंडर आचार्य A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि ये जो मेरे मंदिर हैं ये धाम हैं, क्योंकि इस्कॉन के मंदिरों में जो शास्त्रों के मुताबिक पूजा अर्चन का विधि है वो होता है। कहते हैं जहाँ भगवान के नाम का हर वक्त जप होता है, कथा होती है, आरती होती है, भोग लगता है, तो भगवान वहाँ पे वास करते हैं। सो इक्वल टू वृंदावन इस्कॉन के मंदिर, हमारे मंदिरों में दिन में 7 आरती होती है, 7 बार भोग लगता है। जब हम भगवान को शास्त्रों के मुताबिक आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, सिमरन करेंगे, तो वो एक धाम हो जाता है। जो आनंद, जो कृपा आज के दिन आप वृंदावन में सोचते हो मिलती है, वो इस्कॉन जनपद में आपको मिल सकती है। तो मेरी प्रार्थना आज के दिन आप जरूर आएँ। पूरे भारत के जिते जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, उत्थे ही पंजाब के लुधियाना शहर के भी जन्माष्टमी की धूमधाम रौनक देखने मिल पा रही है। मैं इसलिए मौजूद हैगा लुधियाना के इस्कॉन मंदिर के जिते दिन तो ही दिन के टाइम के ही जोड़ा वह लोग दर्शन करने वास्ते आ रहे हैं। सब तो पहले मैं तस्वीर तुम दिखाना चाहूँगा, तुम देख सकते हो कि भगवान के दर्शन करने वास्ते इतने लोग मौजूद ने और इसका उत्सव जोड़ा वह रात को होर
जिहड़ा वा देखण नूं मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि रात के समय इस जगह के उत्ते कीर्तन होगा, संकीर्तन होगा और इत्थे जिहड़ी रास है वह पाई जाऊगी और उस चीज़ का आनंद लो लैणगे और इस जन्माष्टमी नूं मनाणगे। क्योंकि अमूमन देखा जाता वा कि जिहड़े मंदिर हुंदे ने उह रात दे 9 बजे तक ही खुले रहिंदे ने, पर जन्माष्टमी का दिन एक ऐसा दिन हुंदा जिस दिन जिहड़ा मंदिर हुंदे ने उहनां नूं 12:30 1 बजे तक खोलिया जाता वै और भगवान के जन्म का जिहड़ा वै समय जिहड़ा हुंदा वै उसनू मनाया जाता वै, क्योंकि भगवान रात 12 बजे जन्म लैंदे ने ते उस तो बाद उन्हां दी जिहड़ी है आरती की जाती है और भोग लगाया जाता और तमाम लोगों नू भोग वंडिया जाता ते उस तो बाद ही ये जन्माष्टमी संपन्न होंदी है। तुसीं देख सकते हो कि लोग आ रहे हैं और जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं, बेशक वृंदावन नहीं लुधियाना वै पर आनंद ज्यों दा त्यों है।